मुझे आज भी वो रात अच्छी तरह से याद है। मैं, रोहन और दीपक, हम तीनों एक शादी में गए हुए थे और रात के वक्त हम वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए। जब हम शादी में आए थे तो उस वक्त हमारे साथ रोहन के चाचा जी थे। उन्होंने हमें रास्ता बताया और हम आसानी से पहुंच गए। लेकिन जाते वक्त अंकल ने हमारे साथ आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बाद में आऊँगा, तुम तीनों निकल जाओ, लेकिन आराम से जाना। दीपक ने अंकल से कहा, अंकल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से चले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को रात भर गाड़ी चलाना होगा, ये ठीक रहेगा? हाँ अंकल, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी मैं खुद चलाऊंगा, आराम से पहुंच जाएंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो भाइयों निकलते हैं। उस रात हम गाड़ी लेकर निकल गए। जब हम हाईवे पर पहुंचे तो एक अजीब सा सन्नाटा था, एक अजीब सी खामोशी। सर्दियों का मौसम था जिसकी वजह से बाहर बर्फ भी गिर रही थी, लेकिन हम लोग एक लगातार बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। भाइयों मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो दबा के खाना खाया था रात के वक्त, क्योंकि खाना बहुत शानदार था। तुम लोगों को कैसा लगा? हाँ ठीक ही था, मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, बल्कि इससे अच्छा खाना तो रोहन के घर पर बन जाता है, क्यों रोहन? हाँ सही कहा, इससे अच्छा खाना तो मेरे घर पर बनता है, ये मोटा पागल है, इसके पास दिमाग ही कितना है, बस खाता रहता है। तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि खाना कैसा होना चाहिए, खाना बहुत ही शानदार था। ठीक है, हम इसी तरह बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उसी वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे तेज़ हवा का झोंका मेरी गाड़ी से टकराया और उसी वक्त मेरी गाड़ी बंद हो गई। क्या हुआ राहुल, गाड़ी को क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दी? यार मैंने गाड़ी रोकी नहीं है, गाड़ी बंद हो गई है। पता नहीं तू कैसे चलाता है, तुझसे तो एक काम ठीक से नहीं होता। हाँ आकर खुद ही चला ले, इतनी दिक्कत हो रही हो तो। अरे मैं मजाक कर रहा था, गुस्सा क्यों हो रहा है? ठीक है भाइयों, परेशान होने की बात नहीं है, उतर कर देखते हैं क्या हुआ है। हम तीनों अपनी गाड़ी से उतर गए और हमने गाड़ी की तरफ देखा, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। दीपक ने कहा, यार मुझे लगता है इंजन को ठंडा करना होगा, तुम लोग यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। ठीक है जल्दी आना। मैं और रोहन हम खड़े होकर गाड़ी के पास दीपक का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद दीपक वहां पर आया। ये लो भाइयों, पानी का जुगाड़ हो गया। देख ऐसे अचानक से मत बोला कर, एक तो तेरी आवाज ऐसी है कि कोई भी डर जाएगा। सही कहा, अचानक से आकर चिल्ला देता है, जान निकल जाती है। क्या भाइयों तुम लोग कमाल करते हो, गाड़ी को ठंडा करो और चलो निकलते हैं यहाँ से। हम तीनों ने गाड़ी को ठीक किया। कुछ देर बाद हम वहां से निकल गए। थोड़ी दूर तक काफी सन्नाटा था, आगे जाकर हमें दो रास्ते दिखाई दिए। हमें समझ नहीं आया कि कौन से वाले रास्ते पर जाएं। भाइयों आगे से दो रास्ते हैं, बताओ किस वाले पर जाना है, किसी को कोई आइडिया है? मुझे लगता है सारे लोग दाईं तरफ जा रहे हैं, हमें उल्टी साइड से चलना चाहिए, हमें लेफ्ट साइड से चलना चाहिए। लेकिन मेरे भाई लेफ्ट साइड पर कोई नहीं जा रहा, वहां बिल्कुल सन्नाटा है, कोई गड़बड़ हो सकती है। दीपक तू क्या बोलता है? मुझे लगता है रोहन ठीक कह रहा है, लेफ्ट साइड से निकलते हैं, शॉर्टकट होगा। ठीक है जैसी तुम लोगों की मर्जी। हम लेफ्ट साइड का रास्ता पकड़कर वहां से निकल गए। लेकिन अजीब था, उस रोड पर कोई नहीं जा रहा था, दूर दूर तक एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हम लगातार चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद मैंने गाड़ी को रोक दिया, क्योंकि सामने एक विशाल सा पेड़ था रोड के बीचों बीच। यार ये तो हद ही हो गई, रोड के बीचों बीच इतना बड़ा पेड़, इसे किसी ने कटवाया क्यों नहीं? पता नहीं यार, चलो नीचे उतर कर देखते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद
हम एक लगातार घूर कर उस पेड़ को देख रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ हमें देख रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक जिंदा पेड़ है। क्या तुम लोगों को ये पेड़ कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ यार, ये पेड़ बहुत ही अजीब है। थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं। हम पैदल चलकर उस पेड़ के और नजदीक गए और मैंने देखा कि पेड़ के तने पर कुछ अजीब सा लिखा था। वो साफ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई भूतिया पेड़ है जिस पर बुरी आत्माओं का साया है। राहुल, दीपक, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। गाड़ी में चलते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ यार, बाहर ठंड बहुत ज्यादा है, हमें निकलना होगा। हम तीनों वापस गए और अपनी गाड़ी में बैठे। उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़ने लगे, लेकिन आगे बढ़ने के बाद मेन रोड खत्म हो गई थी। एक अजीब से रास्ते पर हम पहुँच गए थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। हम कुछ ही दूर पहुँचे थे तभी अचानक हमारी गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। गाइस, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, पेट्रोल ख़त्म हो गया। या तो गाड़ी को धक्का लगाकर हमें आगे जाना होगा या फिर यहाँ रुककर सुबह होने का इंतज़ार करना होगा। बोलो, क्या बोलते हो? देख यार राहुल, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम किस जगह पर हैं, तो पेट्रोल पंप कैसे ढूंढेंगे? मुझे लगता है हमें गाड़ी में ही इंतज़ार करना चाहिए। सुबह हो जाएगी तो कोई ना कोई दिखाई देगा, उससे पूछकर पेट्रोल भरवा लेंगे। देखो, मुझे लगता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, अगर गाड़ी में रहोगे तो मर जाओगे। मेरे ख्याल से हमें बाहर चलना चाहिए। लकड़ियों को इकट्ठा करके उसे जलाते हैं, थोड़ी देर गर्म रहेंगे, उसके बाद गाड़ी में आकर सो जाएंगे। सुबह देखा जाएगा क्या करना है। हाँ, ये भी ठीक है, चलो लकड़ियाँ जलाते हैं। हम तीनों गाड़ी से बाहर निकले और लकड़ियाँ ढूंढने के लिए इधर उधर चले गए। कुछ देर बाद मेरी नज़र एक दीवार पर गई। वहाँ पर भी कुछ अजीब सा लिखा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या लिखा है। मैंने उसे नज़रअंदाज किया। फिर हम तीनों एक जगह पर आग जलाकर वहाँ बैठ गए और बातें करने लगे।